देखिए, देश के 9 बड़े विपक्षी नेताओं ने, जिसमें 4 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं और 1 सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, इन 9 बड़ी हस्तियों ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को एक खुला पत्र लिखा है और उस पत्र में ये बात पूरी मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी है कि हमारा देश आज भी एक लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र की जो बुनियाद है उसे लगातार हिलाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। कैसे आज अपने सियासी प्रतिद्वंद्वी पर सीबीआई ईडी का प्रहार करके, तमाम एजेंसियों का प्रहार करके उन्हें पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, और ये किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, तमाम पार्टियों के जो भी विपक्षी दल मजबूत होता नजर आता है, ईडी सीबीआई उसके घर पहुंच जाती है, उसे दबोच कर जेल में डाल देती है और फिर महीनों सालों उसकी बेल नहीं होती। इसके साथ साथ ईडी सीबीआई की कार्य प्रणाली पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको जानकर अचंभा होगा कि पिछले 9 साल में सीबीआई ने जितने मुकदमे दर्ज करे उसमें से 95% मुकदमे देश के विपक्षी नेताओं पर दर्ज हुए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने यूपीए काल के समय 112 जगह पे मात्र रेड करी थी, लेकिन एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के दौरान यानी कि 2014 से लेकर आज तक 3000 से भी ज्यादा जगहों पर रेड करी। और ईडी से जब पूछा जाता है कि आपने इतनी रेड करी, इतने मुकदमे दर्ज करे, अंत में कितने लोगों को कोर्ट ने कन्विक्ट किया यानी कि कितने लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया, तो पता लगता है कि 0.05%, 0.05% भी कन्विक्शन रेट ईडी का नहीं है। जिनको देश की जनता ने चुना है, जिन लोगों के वोट की ताकत से ये मुख्यमंत्री, ये पूर्व मुख्यमंत्री एक सरकारों में रहे हैं, सरकारें चलाई हैं, आज ये अपने ही देश के प्रधानमंत्री से एक अपील कर रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग छोड़ दीजिए, एजेंसियों को इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन करने दीजिए। और ये सारी जो कवायद है ये ईडी सीबीआई तक लिमिटेड नहीं है। आप देखिए, इस देश में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर का दुरुपयोग कर, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उसका दुरुपयोग कर पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल किया जा रहा है और हर कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को कमजोर किया जाए, खत्म किया जाए। आप विपक्ष लड़िए, आप सत्ता में हैं लड़िए, लेकिन चुनाव के रण के मैदान में लड़िए। एजेंसियों का इस्तेमाल कर, गवर्नर के दफ्तर का इस्तेमाल कर आप केवल विपक्ष को ही खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इस देश की लोकतांत्रिक बुनियाद को हिला रहे हैं। हमारे 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 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी लोकतंत्र की बात होती है। अगर उस लोकतंत्र की नींव ही हिल जाएगी तो इस देश में लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज इन तमाम पार्टियों के 9 के 9 जो बड़े विपक्षी नेता हैं, सबकी विचारधारा अलग हो सकती है, ये अलग अलग रीजनल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन सब रीजनल पार्टीज, इन सब आइडियोलॉजीज को बनाकर हमारा प्यारा भारत देश बनता है। आज उस भारत देश के तमाम निर्वाचित नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है कि हो सकता है कि हमारी विचारधारा आपकी पार्टी की विचारधारा से मेल ना खाती हो सकता है हमारे विचार आपसे, आपके विचारों से मेल ना खाते हो, लेकिन आप कृपया कर एक इस लोकतंत्र की जो बुनियाद है उसे ना हिलने दे और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग जो आज केंद्र में बैठी सरकार कर रही है उसे बंद किया जाए। सारे नेता मनीष सिसोदिया जी के अरेस्ट को लेकर बहुत चिंतित थे। मनीष सिसोदिया जी उस शख्स का नाम है जिसने 18 लाख बच्चों की जिंदगी, उनका भविष्य बदल दिया, सुनहरा कर दिया। आज सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोगों में रोष नहीं है, सिर्फ दिल्ली के लोगों में रोष नहीं है, मनीष सिसोदिया जी के अरेस्ट से देश भर की आवाम में रोष है।